हेलो जी। तो आज की रेसिपी है कुछ स्पेशल, यानी कि जैसे कि रक्षाबंधन आ रहा है, तो रक्षाबंधन पे स्पेशल आप बनाइए अपने भाइयों के लिए एक आसान सी रेसिपी और खाने में बहुत ही टेस्टी। तो ये मैंने बनाई है शाही टुकड़ा। शाही टुकड़ा आमतौर पे बनता है ब्रेड से, लेकिन हमने बनाया है रस से, तो इससे पेट भी भरेगा और मजा भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक गिलास दूध। इसको थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे चीनी। जितना दूध लिया है उससे डबल चीनी डाल दीजिए, जिससे कि आपको टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अगर आप शुगर फ्री करना चाहते हैं तो इसमें आप शुगर फ्री का यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद हम डाल देंगे थोड़ा सा कस्टर्ड। कस्टर्ड को पहले पानी में अच्छे से घोल लेंगे और फिर उसको इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद उसको अच्छे से हिलाएंगे ताकि कोई भी लंप्स ना पड़े। इसको हम 2-4 मिनट हिलाते जाएंगे जब तक इसका उबाल ना आ जाए। उबाल आने के बाद हम इसमें डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट, यानी कि पिस्ता, बादाम, किशमिश, जो भी आपको अच्छा लगे आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। एक हम इसका गाढ़ा सा घोल बना लेंगे और उसके बाद हम इसको यूज करेंगे। तो ये देखिए है ना कितना आसान, तो स्वाद का स्वाद और क्विकली रेसिपी। तो ये है एक जल्दी रेसिपी। तो आप इसको कभी भी बना सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं। जैसे कि अचानक से हमारा मीठा खाने को मन हो तो जल्दी से 1 गिलास दूध लीजिए और उसमें कस्टर्ड पाउडर डालिए और उबाल लीजिए और उसके बाद उसकी बना दीजिए पुड़ी। तो ये होगी बहुत आसान सी रेसिपी। तो आप भी इस रक्षाबंधन भाइयों के लिए बनाइए कुछ खास। तो हम इसको अच्छे से उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद ये हमारा गाढ़ा हो गया है। गाढ़ा आने के बाद देखिए चेक करेंगे, गाढ़ा हो गया है। गाढ़ा आने के बाद इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के लिए रखने के बाद हम यूज करेंगे इसमें रस। यानी कि रस तो आमतौर पे घर में मिलते ही हैं, जैसे कि हम चाय के साथ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है रस और एक ले लिया है चौरस डिब्बा। आप चाहें तो गोल भी ले सकते हैं। तो हम इसमें डाल देंगे रस। यहाँ पे मैंने 6 रस यूज किए हैं और उसके बाद मैं इसके ऊपर जो हमने बैटर तैयार किया है वो हम इसमें डालते जाएंगे। तो देखिए उसके बाद एक लेयर लगाने के बाद हम इसके ऊपर डबल लेयर लगाएंगे, फिर से हम रस लगाएंगे। फिर से रस लगाने के बाद हम इसके ऊपर फिर से एक लेयर बनाएंगे। लेयर बनाने के बाद हम इसको अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो ये ऐसे ही हम पुडिंग डालेंगे, ये थोड़ा सा ढीला हो जाएगा तो तब इसको खाने का मजा और भी ज्यादा आएगा। तो उसके बाद हम एक और लेयर लगाएंगे, यानी कि हमने लगाई है 3 लेयर। तो आप चाहें तो 2 भी लगा सकती हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा मिठाई की तरह बनाना है तो आप इसमें 3 लेयर बनाइएगा। तो ये देखिए मैंने इसमें बना दिए 3 लेयर। और उसके बाद मैं उसके ऊपर डाल दूंगी थोड़ा सा और ड्राई फ्रूट जो मैंने पहले से कट करके रखा हुआ था, यानी कि बादाम और पिस्ता। तो ये दीजिए, देखिए हमारी हो गई रेसिपी बिल्कुल रेडी। तो है ना कितना आसान, झटपट से बनने वाली ये शाही टुकड़ा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इस पर डाल दी है गुलाब की पंखड़ियां। भाइयों के लिए इतना तो बनता है ना। तो चलिए खाने के लिए हो जाओ रेडी।